टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो आपको 15 सेकंड के अंदर वीडियो में क्रिएटिविटी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हेल्प करता है और बहुत सारे लोग इंडिया में भी नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस ऐप को यूज करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। आज हमारे पास टिकटॉक लवर्स यानी कि टिकटॉकर्स के लिए एक बुरी खबर है। बहुत सारी सीरीज ऑफ कंप्लेंट्स के बाद पॉपुलर ऐप को ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में से निकाल दिया है और ये निकाल देने का ऑर्डर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के पास ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो यूज कर सकते हैं बट ये ऐप आप वापस डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले पॉपुलरली म्यूजिकली बुलाया जाने वाला ऐप जिसे टिकटॉक के नाम से न्यू आइडेंटिटी मिली वो यूजर्स को 15 सेकंड में वीडियोस क्रिएट करने का और उसे क्विक शेयर दूसरे लोगों से करने का ऑप्शन देती है। 17 मिलियन एक्टिव यूजर्स है इस ऐप के इंडिया में और कुछ यूजर्स तो अंडर 18 है। ये ऐप बैन हो चुका है कुछ कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में एडल्ट कंटेंट जो कि सूटेबल नहीं है स्मॉलर एज ग्रुप्स के लिए। पिछले कुछ महीनों में लैक ऑफ क्वालिटी पर भी इसके सवाल उठ रहे थे। कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया था अब्यूसिव और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस को इस ऐप पर। टिकटॉक यूजर्स ने साइबर बुलिंग के इश्यू को भी रिपोर्ट किया था और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ऐप यूज करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अब्यूसिव और ट्रोलिंग कमेंट्स भी किए वीडियोस पर जो अभी तक सर्कुलेट हो रहे हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए इस ऐप ने फिल्टर अपग्रेड किया था कि कम से कम 30 वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश के बैन थे और यूजर्स उसे यूज नहीं कर सकते थे। कुछ गाइडलाइंस रखी गई थी रीजनल लैंग्वेजेस में ताकि अडल्टरेटेड कंटेंट को सर्कुलेट होने से रोक सके। जैसे कि यूजर्स यंग इम्प्रेशनेबल एज में भी हो सकते हैं तो वहाँ बहुत सारे क्रिटिसिज्म ठीक नहीं था और वैसे भी टिकटॉक का नेचर बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव माना जा रहा था। पर अचानक से लोग ऑड प्लेसेस में मूविंग ट्रैफिक में अपनी लाइव्स रिस्क पे डालकर वीडियोस बनाने लगे। 2019 में ही 20 से भी ज्यादा लोगों ने इंडिया में अपनी जान गंवा दी वो भी ये ऐप यूज करते हुए। ये ऐप ने बहुत सारे पेरेंट्स के पास से भी क्रिटिसिज्म फेस किया है क्योंकि ये ऐप सेफ नहीं था और कोई भी स्ट्रेंजर या मोलेस्टर से फेस टाइमिंग कर सकते थे ये ऐप के जरिए। टिकटॉक जैसे ऐप को हम पर्टिकुलरली हार्मफुल नहीं बोल सकते क्योंकि ऐप के पास बहुत अच्छा अप्रोच है लोगों के अंदर क्रिएटिव और इनोवेटिव साइड बाहर लाने में, जिससे यूजर्स खुद सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद स्क्रिप्ट कर सकते हैं या फिर खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर खुद ही पूरा 15 सेकंड का एक इंटरेस्टिंग क्लिप तैयार कर सकते हैं उनकी काबिलियत को बूस्ट करने के लिए। फिलहाल टिकटॉक के पास अभी 5.4 करोड़ मंथली यूजर्स है जो बैन के बाद भी ऐप फाइल शेयरिंग एप्स के जरिए टिकटॉक शेयर कर रहे हैं, पर टिकटॉक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है और उसे निकाल दिया गया है। रिसेंटली न्यू पेटिशन निकाला है टिकटॉक के ऊपर से बैन निकालने के लिए, बट अब बैन निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए इसका फैसला अभी आना बाकी है। पर अभी आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से टिकटॉक ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों टिकटॉक ऐप से जुड़ी आपके पास भी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।